और हमारे साथी पंकज राणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है, चुनाव को लेकर ओवरऑल क्या कुछ कहा है, सुन बात करें आप। विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल? देखिए, चंपावत का जो चुनाव है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, किसी पार्टी का भी नहीं हो रहा है। यहाँ सभी लोग, चंपावत के लोग ही आगे आ रहे हैं और सब चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए, चंपावत के विकास के लिए, और पूरा चंपावत एक होकर एक तरफ चल रहा है। यहाँ पर कोई अलग अलग डिवीजन नहीं है। लोगों से बात हुई है, वो सिडकुल के लिए कह रहे हैं कि सिडकुल की घोषणा हुई थी, उसकी स्थापना को लेकर क्या सब रहेगा? नहीं, सिडकुल यहाँ पर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पहले से ही मैंने कहा है, क्योंकि हमारे नौजवानों को, युवाओं को, सबको रोजगार से जोड़ना है और इस क्षेत्र में चूँकि बहुत लंबा एक गैप है, इस गैप में कहीं पर उद्योग नहीं है, तो उस दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, इसीलिए उन्हें यहाँ चंपावत बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जनता किस तरह से मतदान करती है और 3 जून को क्या नतीजे आते हैं। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो चलिए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। शाम को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है उसका शोर थम जाएगा। अभी इस वक्त क्या स्थिति है, कौन कौन मैदान में उतरा हुआ है, किस तरीके से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथी पंकज खुद जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके से प्रचार वहाँ पर किया जा रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, बताएं जरा पंकज। दीपा, देखिए, ये चंपावत विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और इस गांव में अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार करके गए हैं। सुबह से ही लगातार उनके दौरे लगे हुए थे, अलग अलग जगह उन्होंने प्रचार किए हैं और अभी इसके बाद वो यहीं इसी क्षेत्र में दूसरे गाँव में प्रचार के लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि जो नदियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ पुल नहीं बने हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी को भी कुछ दिक्कतें हैं। देखिए, ग्रामीण के गाँव के जो तमाम लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं एक थोड़ी सी आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका क्या कहना है, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने से यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं या वो जीत कर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो ये सामने की तस्वीरें हैं, ये एक नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर इसके बगल में ही एक छोटा गाँव है। लगभग 500 गाँव यहाँ पर, गाँव 500 परिवार इस गाँव में रहते हैं, 2000 के करीब आबादी होगी और इसके आगे का सीधा एरिया ये पूर्णागिरी मंदिर को जाता है और कई सौ गांव यहाँ पर बसे हुए हैं। इस नदी में बरसात के दौरान बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के जीत जाने के बाद ये पुल का निर्माण होना चाहिए, ऐसी मांग इन्होंने मुख्यमंत्री से भी रखी है। यहीं इसी गाँव के पास में ही एक अभी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर ये लोग सब गए थे, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? केसरी देवी। क्या है, गांव आपका अच्छा है, सुंदर है, दिक्कतें क्या है? दिक्कतें क्या होती है, बरसात में इधर उधर चल नहीं पाते हैं, पानी की वजह और हर चीज़ की वजह गाड़ी नहीं मिलती है। आजकल देखो मेला कितना चल रहा है, एक गाड़ी सुविधा ये नहीं है कि कोई बचे कोई मरे, किसी को खबर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक आप गए थे वहाँ? हाँ जी, गए थे। क्या बोला है सीएम साहब ने, आश्वासन? सीएम साहब ने अभी उम्मीद है हमें कि हमने उनसे बहुत उम्मीद जोड़ रखी है, क्योंकि वो जो कह के गए हैं अभी तक करा भी है उन्होंने और आगे को करेंगे भी, वो हमें बहुत सी उम्मीदें हैं उनसे। आंटी आप आइए, थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कैसा गांव है, आपकी क्या समस्या है? हमारा गांव रद्दी से रद्दी है, गरीब से गरीब है। कहते क्या है सीएम साहब के कार्यक्रम में, आप तो अभी कार्यक्रम में है तो आप एकांत में कहेंगे ना उनसे, अभी क्या बोले? आपकी समस्या बता दी है, करोड़ी आदमी है वहाँ का भी बताएंगे उन्हें। अच्छा, आप युवा हैं तमाम लोग यहाँ, आप लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो क्या आपको दिक्कतें होती हैं? अभी मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपकी उनसे? सर से तो हमें उम्मीदें हैं धामी जी से कि रोज़गार के तौर पर वो ज़रा देखें कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य के यहाँ पर जो सुविधाएँ नहीं हैं वो सुविधाएँ लाएँ, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, पहाड़ों से लोगों का गिरना जो है गाड़ियों से वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो नाले की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर वो होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम में लोगों को आवाजाही जो है बंद हो जाती है। पुल का निर्माण काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा हो रही थी और ये फैसला भी हुआ कि पुल बनेगा, बट अभी तक इसके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हम कॉलेज वगैरह कितनी दूर है आपके गाँव से, आप जाते हैं? सर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ के उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलती है,
मेनली यहाँ पे यही एक दो प्रॉब्लम्स है। पहली तो मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, तो बच्चे पढ़ के दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे उनका रहना पहना नहीं हो पाता, उसके बाद फिर वो वापस आके यहीं पे आ जाते हैं और फिर खेती करते हैं, जबकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो और कुछ कर सकते थे। पानी, बिजली, सड़क, यही सब मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग चाहते हैं कि धामी अगर यहाँ से चुन के आते हैं पुष्कर सिंह धामी तो इन मुद्दों को लेकर वो काम करें और पूरे गांव का विकास हो, ऐसे लोगों की मांग है। शुक्रिया आपका पंकज, क्योंकि आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जाहिर सी बातें जा रहे होंगे, जनसभाएं कर रहे हैं तो बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे और उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं उसका इंतजार चंपावत के लोगों को है।